चंबा सरोथा मार्ग पर एक बार फिर हुए भूस्खलन के कारण चंबा शहर को आने वाली पानी की 8 इंच की पाइपलाइन एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस बारे जानकारी देते हुए कनिष्ठ अभियंता दीक्षित कुमार ने कहा कि आज सुबह एक बार फिर से क्षेत्र में भूस्खलन होने के कारण चंबा शहर को पानी सप्लाई करने वाली 8 इंच की पाइपलाइन टूट गई है, जिस कारण अब इस पाइपलाइन को सड़क के अंदर की तरफ बिछाया जा रहा है, जिस कारण अगले 2 दिन तक सरोथा से चंबा शहर को जाने वाला रास्ता वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। अतः लोगों से अनुरोध है कि वो फुलनुटाला से सरोथा की सड़क से होते हुए चंबा शहर न आए। वहीं उन्होंने कहा कि पानी की पाइपलाइन टूटने के कारण अगले 2 दिन चंबा शहर के कसाकड़ा, धरोग, जुलाहकड़ी, सपड़ी में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की। मैं दीक्षित कुमार, कनिष्ठ अभियंता, चंबा शहर। आज सुबह सरोथा नाला के पास हुए लैंडस्लाइड की वजह से चंबा शहर की 8 इंच की लाइन फिर से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य भी लगा हुआ है। इस पाइपलाइन की मरम्मत के लिए जो है इस बार जो है हम जो हमारी सरोथा से चंबा की तरफ जो सड़क जाती है वहाँ पे पाइप को अंदर की तरफ कर रहे हैं, जो कि मुख्य रास्ता है शहर की तरफ का, जिसकी वजह से आज और कल जो है वो मुख्य शहर का जो सरोथा की तरफ से सड़क जाती है उसका रास्ता बंद रहेगा। सर, लोगों से अनुरोध है कि इस रास्ते का आज और कल प्रयोग ना करें। धन्यवाद।